हे बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके चैप्टर 15 से अवर एनवायरनमेंट लेसन से फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे। फूड चेन होता है खाद्य श्रृंखला, और खाद्य श्रृंखला का अर्थ होता है एक दूसरे से जुड़े रहना। जैसे कि उपभोक्ता जो होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? सोलर से, सूर्य ऊर्जा से मिलती है। एक ट्रॉफिक लेवर इज फॉर्म्ड बाय ईच स्टेप्स लेवर ऑफ द फूड चेन। एक वन बाय वन जब आपस में कोई चेन या श्रृंखला बनती है तो उसे फूड चेन कहा जाता है। द ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर होता है जो ऑटोट्रॉप्स प्रारंभिक उपस्था में होता है, उपस्थिति में होती, जैसे उत्पादक। आर द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवर, पहले लेवर पे रखे जाते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, सूरज की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन से हैं? उत्पादक के रूप में होते हैं प्लांट्स, जो फोटोसिंथेसिस की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। यह क्रिया सूरज की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसे प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। द फूड दैट इज ईटन बाई द अस एक्ट एज ए फूल टू प्रोड्यूस अस एनर्जी टू डू वर्क। भोजन से क्या मिलता है लोगों को? एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। द इंट्रैक्शन एमोंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इन्वॉल्व फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम टू एनोदर। एक दूसरे से वो एनर्जी के लिए आपस में जुड़े रहते हैं। एज वी हैव स्टडी, आज हम यहाँ पढ़ेंगे। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड एंड कन्वर्टेड इन टू द केमिकल एनर्जी। जो सूर्य ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में बदली जाती है बाय द ऑटोट्रॉप्स। दिस एनर्जी सपोर्ट आर द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स द एनर्जी गोज टू द हेटरोट्रॉप्स एंड डिकम्पोजर। प्राथमिक उपभोक्ता और डिकम्पोजर के रूप में ये एनर्जी एक दूसरे में पहुँचती है। जैसे कि हम एक फील्ड का ले लेते हैं, घास के मैदान में घास को किसने खाया? टिड्डे ने खाया। टिड्डे को किसने खाया? मेढक ने खाया। मेढक को किसने खाया? सांप ने खाया। सांप को किसने खाया? चील ने खाया। इस तरह हो सकता है। एनोदर प्लांट को किसने खाया? हिरन ने खाया। हिरन को किसने खाया? टाइगर ने खाया या बाघ ने खाया। नेक्स्ट, इस प्रकार एक श्रृंखला चलती है उत्पादन की। सबसे पहले क्या होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर में क्या आएंगे? प्रोड्यूसर्स में आएंगे जो भोजन को उत्पादन करते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर में हो गए उत्पादक। प्लांट्स, प्लांट जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स को जो खाते हैं, ऑटोट्रॉप्स द्वारा जो बनाए हुए भोजन को लेते हैं उसे प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। उसमें हिरन आ गया, टिड्डा आ गया, ये सब क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी प्राथमिक उपभोक्ता। सेकंड आता है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो प्राइमरी कंज्यूमर के को खाते हैं उन्हें सेकंड कंज्यूमर कहते हैं। सेकंड कंज्यूमर में बाघ आ गया, मेढक आ गया, ये सब सेकंड कंज्यूमर्स में आते हैं। टर्टियरी कंज्यूमर जिसे कहते हैं तृतीय उपभोक्ता, ये जो ये मांसाहारी होते हैं तथा इन सबको ये खाते हैं। उसके बाद डिकम्पोजर जो होते हैं जो इनके शरीर को पूरी तरह से तोड़ देते हैं कई पार्ट्स में, बैक्टीरिया वायरस इनके रूप में आते हैं। इस प्रकार एक श्रृंखला चलती है, इस श्रृंखला को फूड चेन कहते हैं। और जब ये श्रृंखला चारों तरफ से एक दूसरे जुड़ी होती है तो इसे फूड वेब कहा जाता है। धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद मैम।